Now, question one. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स जीरो टू वन टू आर डिफाइन इन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस टू अपॉन एन एन जीरो जीरो एक्स लाइज बिटवीन वन टू एन वन अपॉन एन एंड एक्स जीरो टू टू अपॉन एन एंड जीरो इफ टू अपॉन एन lies between 2 1 तो हम क्या करें इसके लिमिट निकालेंगे पहले जितने फंक्शंस हैं मतलब एक ही फंक्शन है लेकिन तो लिमिट सबसे पहले लिमिट ऑफ फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं ठीक। अच्छा देखिएगा हम आपको पहले समझाते हैं कि जो एफ वन है उसकी मीनिंग क्या है और फिर एफ टू है उसकी मीनिंग क्या है। सो यहाँ पे अगर हम एफ वन की बात करते हैं तो एफ वन एन इक्वल टू वन रख दीजिएगा तो एफ वन एक्स आ जाएगा। पहले समझिए एफ वन एक्स है क्या। जो एफ वन एक्स है वो एन इक्वल टू वन रखने से जीरो से वन के बीच में हमारा इंटरवल जीरो से वन ही है तो जैसे वन पुट करेंगे तो वन यही रह जाएगा जीरो और वन तो हमारे पास आएगा जीरो वन तो जीरो से वन के बीच में केवल हमारा रह जाएगा x यानी इक्वल टू वन रख दिया x lies between जीरो टू वन ठीक जीरो टू वन एक ही आएगा f वन x। Now you can see that what is f टू x, f टू x क्या आएगा आप जब f टू रखेंगे टू रखेंगे यहाँ पे तो देखो दो पार्ट आएंगे यहाँ पे टू आएगा यहाँ पे टू आएगा दब वन यहाँ पे बनेगा आके ठीक है तुम्हारा वन यहाँ बनेगा मतलब दोनों पार्ट आएंगे तो दो पार्ट में ब्रेक होगा ये क्वेश्चन और ब्रेक होके मुझे देगा 4x x lies between 0 to 1 by 2 and minus 4 x minus जब 2 रखा तो x minus 1 हो गया यहाँ पे x lies between 1 by 2 से 1 तक ठीक दो पार्ट आए। जब मैंने 3 रखा तो देखिए अब 3 बेटा क्या आएगा ये अब 3x आएगा इक्वल टू अब तीनों पार्ट आएंगे थ्री थ्री टू अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री से वन तक तब तीनों पार्ट आएंगे तो यह आएगा नाइन ऑफ एक्स एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन बाई थ्री एंड माइनस नाइन एक्स माइनस टू बाई थ्री से एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू टू बाई थ्री नहीं वन बाई थ्री से टू बाई थ्री एंड जीरो होगा जब एक्स लाइज बिटवीन टू बाई थ्री टू वन होगा ठीक ऐसे चलता चला जाएगा। सर यहाँ पर एन ग्रेटर और इक्वल टू है तो हम टू से वैल्यूज पुट करेंगे ना एन ग्रेटर और इक्वल टू है यस सर ठीक कोई नहीं तो पहला वाला छोड़ देंगे ठीक गुड पहला पार्ट नहीं आएगा ठीक तो हम दूसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट मेरा होगा जीरो से वन बाई टू एंड एक्स जीरो टू वन बाई टू इस टाइप से स्टार्ट हुआ ये हमारा कर्व है। अच्छा इस कर्व को बनाने की कोशिश करते हैं हमने कहा अगर ये कर्व हमने बनाया देखिए क्या आएगा ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है पहले वाला 4x 4x तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी जो कि पहले 0 से 1 by 2 तक गई ठीक तो 0 से 1 by 2 तक रोक लेते हैं इसको और दूसरा 1 by 2 से जो कर्व गया है वो कर्व है मेरा ये 1 by 2 है 1 by 2 से 1 तक यहाँ पे मान लिया मैंने 1 तक है तो यहाँ पे गया y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 1 इसको जब ड्रा करेंगे तो x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू हमारा 1 आएगा y इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू 4 आएगा तो y इक्वल टू 4 कहीं ऊपर होगा ठीक। अच्छा जब हम y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 1 बाई
वन बाय वन ही आ जाएगा, नहीं जब वाई जीरो रखा तब, हाँ वाई जीरो का वन आ जाएगा, ठीक तो वन आ जाएगा, तो यहां से इस टाइप से लाइन जाएगी, ठीक तो मतलब इस टाइप से लाइन जाएगी, तो ये हमारी लाइन हो जाएगी, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ठीक ये लाइन हमारी, हम एक बार फिर से रेड से बना देते हैं, ये लाइन हो गई इतनी, पहला जब मैंने F2 रखा। अच्छा जब F3 रखेंगे तो देखो 4x और 9x में स्लोप किसका ज्यादा होगा, y इक्वल टू 9x रखा फिर 4x रखा, ठीक है तो 9x 4x कहां पे कट करेगी, x इज इक्वल टू, जब देखो इसमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 आएगा, ठीक जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 9 आएगा, ये चल रहा है इसमें, यस तो देखो इसने क्या किया, इसने ये किया कि अगर 1 बाय 3 से हम यहाँ पे 1 बाय 3 होगा तो ये वाली जो लाइन है नेक्स्ट 1 बाय 3 वाली लाइन, वो 1 बाय 3 वाली लाइन यहां तक आएगी 1 बाय 3 तक, ठीक इसके बाद ये लाइन हमारी यहीं से मूव कर जाएगी, क्योंकि x = 1 बाय 3 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक और ये हमारा पॉइंट था x = 1 बाय 2 पे 2, ठीक तो ये लाइन हमारी इस टाइप से ऐसे आगे बढ़ेगी और फिर इसके बाद ये दूसरा कर्व बनेगा 1 बाय 2 से, सी दैट 1 बाय 2 1 बाय 3, ठीक है देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरी लाइन कहाँ जाएगी, नहीं ये दो में ब्रेक होगी, ये हमारी दो में ब्रेक हो रही है, एक में ब्रेक नहीं हो रही है, ये पहले 2 बाय 3 तक जाएगी, तो 2 बाय 3 हमारा यहाँ कहीं होगा 6, तो ये लाइन हमारी रहेगी 2 बाय 3 तक, हाँ गुड, ये लाइन रहेगी 2 बाय 3 तक, और 2 बाय 3 के बाद ये लाइन होगी 0, 2 बाय 3 के बाद इस लाइन ने क्या किया, ये लाइन हो गई जीरो, यहां से लेके यहां तक ये जीरो हो गई, ठीक अच्छा जब हम नेक्स्ट रखेंगे x इज इक्वल टू 4 तो ये 1 बाय 4 से यहां तक जाएगी पहले, ठीक है और फिर वापस होके यहां आएगी कहां पे 2 बाय 1 बाय 2 पे, 1 बाय 2 के बाद ये फिर से जीरो हो जाएगा, ओके फिर हम इसको उठाएंगे और ये फिर से जाएगी कहीं दूसरी जगह और फिर ये कर्व इस टाइप से होके आएगा कहीं पे और फिर ये हमारा बन जाएगा जीरो। अल्टीमेट जैसे जैसे इनफाइनाइट जाओगे ये कर्व हमारा इस टाइप से जाएगा और ये कर्व मर्ज होके यहाँ आ जाएगा जीरो की तरफ और ये हमारी जीरो हो जाएगी। वॉट इट समझ में आया क्या कर रहा है, मैं एक बार फिर से बनाता हूं आपके सामने क्या क्या हमने किया, ठीक मैंने आपको पहले आइडिया दिया क्या क्या हुआ, एक बार हम फिर से इस कर्व को बनाएंगे सो देखिएगा कर्व कैसे बनता है। सो हमने कहा एक्स एक्सिस है हमारे लिए, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है पहला कर्व, जब मैंने पहला कर्व बनाया तो कर्व गया मेरा पहला जीरो से वन बाय टू, वन बाय टू तक गया, वन बाय टू से इसने बैक किया वन तक आया, ये जीरो है और इधर वन है, ये जीरो है और ये वन है। दूसरा कर्व जब गया तो दूसरे कर्व ने क्या किया, दूसरे कर्व ने यहां से गया और 1 बाय 3 पे गया, 1 बाय 3 से ये वापस हुआ पहले 2 बाय 3 पे, 2 बाय 3 से वापस होके ये 0 गया, फिर इसने कहा कि हम 1 बाय 4 पे जाएंगे तो ये फिर गया 1 बाय 4 पे और ये वापस हुआ 1 बाय 2 पे
और 1 बाई 2 से फिर से ये 0 हो गए। देखते रहिएगा, हमारे पास पॉइंट थे ये, पहला था 1 बाय, जब मैंने 1 रखा था तो 1 बाय 2, तो ये 1 बाय 2 हो गया, 1 बाय 2, ये 2 बाय 3, ओके, और ये हमारा ये था 1 बाय 3, ओके, ये 1 बाय 4, ऐसे ही ये चलता चला गया लास्ट तक गया। और लास्ट में इसने क्या किया कि ये कर्व जैसे जैसे इनफाइनाइट तक जाओगे y इक्वल टू ये हमारा पास आएगा, और ये यहीं पे फिर से मूव करेगा, दोबारा बैक यहीं से आएगा, और बैक होके ये बैक होके y एक्सिस पे होके और ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जैसे जैसे n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे। तो जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट किया तो fx क्या आया, व्हाट इज fx? जो फंक्शंस दोनों के मैंने उसी में रखे हुए ना, मतलब n स्क्वायर x एंड यस सर इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट क्या हमारे वहां, तभी इनफाइनाइट तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप नेगेटिव है, और जब हम इनफाइनाइट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये कर्व बनेगा नहीं भाई, केवल 0 हो जाएगा ना इंटरवल, n टेंड्स टू इनफाइनाइट गोइंग टू द 0, n टेंड्स टू इनफाइनाइट गोइंग टू द 0, ओके, ये 0 0 हो गया इंटरवल, मतलब ये कर्व बनेंगे नहीं, तो रह कौन जाएगा, केवल 0 0 से 1 वाला, 0 से 1 वाला, सो हम 0 से 1 वाला रहेंगे केवल, ओके, 0 से 1 वाला हो गया, तो 0 से 1 वाला होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसके मतलब लिमिट ऑफ f(x) क्या आ गई, देखिए ये स्टाइल से लिमिट निकाली गई है, आप निकाल नहीं सकते हो ऐसे रख के वैल्यू पुट करके, इसी फिगर से ही निकाल सकते हो f(x) लिमिट ऑफ फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। सो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या निकल आया, इक्वल टू 0, अरे लिमिट n टेंड्स टू होता क्या है, जिसकी लिमिट इनफाइनाइट तक जाए, ओके, तो इनफाइनाइट तक जैसे गए तो कहां कर्व चला गया, fx चला गया y इक्वल टू 0 लाइन पे, तो y इक्वल टू 0 इसका ही क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो हम लिमिट ऑफ फंक्शन तो निकाल दिए, वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन इन दिस क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ न्यू मेथड टू फाइंड बाय ग्राफिकली फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन हियर, एनी प्रॉब्लम? नाउ अगर हमने लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल लिया तो मुझे दूसरा क्या चाहिए, मैंने fx निकाल लिया, मेरे पास fx आ गया, मुझे अब लिमिट ऑफ फंक्शन निकालने के बाद दूसरा कंसर्टेड होना है कि जो fnx है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया, 0 से 1 के बीच में ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हमने देखा कि जो सभी fnx हैं, जो fnx हैं, तो देखिए भाई ग्राफ से आपको ऐसा पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, fnx सभी कंटिन्यूअस है, अरे कहीं ब्रेकिंग तो है नहीं, fnx ऑल आर कंटिन्यूअस, बोलिए इंटीग्रेबल हो गया तो लिमिट ऑफ फंक्शन और लिमिट इंटरचेंज कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तो हमने आपको बताया कि लिमिट fnx अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हुआ तो fnx की जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे और इंटरवल 0 से 1 है, इसको तुम इक्वल टू लिख सकते हो, इक्वल टू लिख सकते हो 0 टू 1 या f(x), अगर इक्वल आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया दैट मींस नाउ वी विल सो दैट इन दिस क्वेश्चन द लिमिट ऑफ दैट वन नॉट इक्वल टू दैट वन। अच्छा लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट क्या आएगी, 0 टू 1 fx dx की लिमिट, आंसर तो कांस्टेंट हो गया, आकर्षण क्यों हो गया 0 से 1 सर, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू 0 है ना, हां तो 0 तो 0 आ जाएगा, तो आएगा 0 आ जाएगा, अरे लिमिट रखी ना c तो आता ही नहीं, यहां बताओ
तो फिर सर हमको जीरो प्रूफ करना पड़ेगा कि जीरो का इक्वल आ रही है कि नहीं। नहीं, अब इसको ये देखते हैं आ रही कि नहीं। आ गई तो हम कुछ नहीं कह सकते, अगर जी भी लेफ्ट साइड भी जीरो आ गई, अगर लेफ्ट साइड क्या आ गई कुछ और आ गई जीरो के अलावा, तो हम क्या कह देंगे, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ओके, तब नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हम कह देंगे। ये तो एक ही चीज लिख दी मैंने दोनों तरफ, यहाँ लिखना था एफ एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये लेफ्ट साइड जीरो है, ठीक है, एन टेंस टू इनफाइनाइट लेफ्ट साइड जीरो हुआ। राइट साइड देखते लिमिट एफ एन एक्स एफ एक्स होता ना, सो दिस इज द लेफ्ट साइड। नाउ यू कैन सी दैट राइट साइड, अब राइट साइड देखते हैं, लिमिट बाहर है हमारी एन टेंस टू इनफाइनाइट, और एफ एन एक्स की लिमिट निकालनी है डी एक्स पे। चलो देखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट जीरो टू, तीन पार्ट है, जीरो टू वन बाई एन प्लस वन बाई एन टू टू बाई एन प्लस टू बाई एन से वन तक। यहां एफ एन एक्स जीरो से वन में एन स्क्वायर एक्स है, और यहां पे माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस टू अपान एन है, और यहां पे है जीरो डीएक्स डीएक्स डीएक्स। लास्ट पार्ट तो जीरो हो गया, दो पार्ट रह गए, लिमिट निकालिए क्या आएगी। यहां पे एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और जीरो से वन वाई एन प्लस माइनस एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू अपान एन इंटू एक्स, और इसकी लिमिट रख दो वन अपान एन से टू अपान एन। ओके, नाउ आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए, आंसर इसका आएगा वन। सी दैट कैलकुलेट इंटू विल गेट आंसर इज वन। देखिए वन आ रहा कि नहीं आ रहा,